महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश से कई जगह तबाही का आलम दिख रहा है। रेल और सड़क मार्ग बाधित हो जाने से सैकड़ों यात्री जहां तहां फंस गए हैं और एनडीआरएफ के लोग राहत कार्यों में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करके राज्य के हालात का जायजा भी लिया है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी वापस ले ली है, लेकिन किसान नेताओं का गुस्सा कम नहीं हुआ है। इन सब मुद्दों पर विस्तृत और ताजा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं जल प्रलय की खबरों से। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और नदियों में उफान आने से कोंकण रेलवे मार्ग पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गई हैं और करीब 6000 यात्री फंस गए हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से अधिकारियों को बचाव कार्य में प्रशासन की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा है। इस बीच राज्य के कोल्हापुर जिले में भारी बारिश के चलते सड़कों के जलमग्न हो जाने पर करीब 47 गांवों का संपर्क टूट गया है और 965 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के दौरान जिले में अलग अलग स्थानों पर एक महिला सहित दो लोग पानी में बह गए। कोंकण रेलवे मार्ग प्रभावित होने की वजह से अब तक 9 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है या रद्द किया गया है या उनके मार्ग को छोटा किया गया है। भारी बारिश की वजह से कोंकण क्षेत्र की प्रमुख नदियां रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सरकारी अमला प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगातार हो रही बारिश से इन दो तटीय जिलों में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। वहीं भारत मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्रों के लिए अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने और नदियों के जल स्तर पर नजर रखने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। कोंकण रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि मार्ग पर व्यवधान के कारण 9 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है, उन्हें गंतव्य से पहले रोका गया है या रद्द कर दिया गया है। कोंकण रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ये ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर सुरक्षित स्थानों पर हैं और उनके अंदर मौजूद यात्री भी सुरक्षित हैं। उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया कराया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के कारण रत्नागिरी में चिपलून और कामठे स्टेशन के बीच वशिष्ठी नदी पुल का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। उन्होंने कहा, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस खंड पर ट्रेन सेवाएं अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कोंकण रेल मार्ग पर 5500 से 6000 यात्री ट्रेनों में फंस गए हैं। कोंकण रेलवे का मुंबई के पास रोहा से मंगलुरु के पास स्थित थोकुर तक 756 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक मार्ग चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ कई कई नदियाँ, घाटियाँ और पहाड़ हैं। कोंकण रेलवे ने बताया कि चिपलून में बाढ़ की स्थिति के कारण 9 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया, उन्हें गंतव्य से पहले रोका गया है या रद्द कर दिया गया है। इनमें से दादर सावंतवाड़ी स्पेशल ट्रेन को चिपलून स्टेशन पर और CSMT मडगांव जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन को खेड़ स्टेशन की ओर मोड़ दिया गया है। कोंकण रेलवे के प्रवक्ता गिरीश करंदीकर ने बताया कि इन ट्रेनों में सवार यात्री सुरक्षित हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद कोंकण रेलवे यात्रियों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रहा है। गिरीश करंदीकर ने कहा, हमने सभी फंसे हुए यात्रियों को चाय, नाश्ता और पेयजल मुहैया कराने की व्यवस्था की है। जगबूढ़ी, वशिष्ठी, कोडावली, शस्त्री, बाव समेत रत्नागिरी जिले की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके परिणामस्वरूप खेड़, चिपलून, लांजा, राजापुर, संगमेश्वर, कस्बे और आसपास के इलाके प्रभावित हुए हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई तहसील में गुरुवार शाम भूस्खलन होने के बाद 2 लोग लापता हो गए हैं। CMO के वक्तव्य के अनुसार पड़ोसी रायगढ़ जिले में भी इसी प्रकार कुंडलिका, अम्बा, सावित्री, पातालगंगा, गढ़ी, उल्हास सहित प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
समीक्षा बैठक के दौरान ठाकरे ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों तक इस क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह भी कहा है कि सतारा जिले के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर में बीते 24 घंटे में 380 मिमी बारिश हुई है, जिससे सावित्री और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बारिश सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रिकॉर्ड की गई। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को रात 10:15 बजे मध्य रेलवे ने मुंबई से 120 किलोमीटर दूर कसारा के पास अंबरमाली स्टेशन के पास पटरियों पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाने और कसारा घाट पर पत्थर टूटकर गिरने की घटनाओं के बाद टिटवाला और इगतपुरी रेलखंड के बीच मध्य रेलवे ने यातायात निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि बाद में देर रात 12:20 पर मध्य रेलवे ने मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित वंगानी स्टेशन के पास बाढ़ आने और खंडाला घाट खंड में कुछ पत्थरों के गिरने के बाद अंबरनाथ और लोनावाला के बीच यातायात रोक दिया। हालांकि इस मार्ग को गुरुवार दोपहर को 17 घंटे के बाद बहाल कर दिया गया था। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेनों को बहाल करने में कुछ समय लगेगा और फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा के बीच रेलखंड को गुरुवार 3 बजे बहाल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पूरी रात हुई बारिश की वजह से कसारा से इगतपुरी के 14 किलोमीटर लंबे पहाड़ी इलाके में 6 स्थानों पर भूस्खलन और पटरी पर चट्टानें गिरने की घटनाएं होने की सूचना मिली है। मुंबई से उत्तर और पूर्वी भारत रेलगाड़ियों कसारा घाट से होकर जाती हैं। सुतारक के मुताबिक कसारा घाट मार्ग में फंसी 3 रेलगाड़ियों को इगतपुरी ले जाया गया है। इन यात्रियों के लिए मध्य रेलवे ने MSRTC की बसों की व्यवस्था की है। अधिकारियों ने बताया कि कोल्हापुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश से कई राज्य राजमार्गों के कुछ हिस्सों पर पानी भरने की समस्या पैदा हो गई और उसे यातायात के लिए बंद करना पड़ा। जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने बताया कि कोल्हापुर की पंचगंगा नदी में राजा राम बांध में जल स्तर चेतावनी के स्तर को पार कर गया। उन्होंने बताया 3 जिला सड़कों को बंद करना पड़ा क्योंकि इसके कई हिस्से जलमग्न हो गए। कई ग्रामीण इलाकों में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और ऐसे में यहाँ यातायात गतिविधियाँ बंद हैं। जिले से गुजरने वाले कुछ राज्य राजमार्ग पर भी यातायात प्रभावित है। इलाके में स्थित विभिन्न बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में गत 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये जलाशय भर गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पहले कहा था कि 9 बचाव दलों को महाराष्ट्र भेजा गया है, जिनमें से 2 कोल्हापुर जिले में गए हैं। इनमें से बाढ़ संभावित शिरोल तहसील में बचाव या एहतियाती तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम किया जा रहा है। वहीं अन्य दल कोल्हापुर शहर में बचाव कार्य के लिए तैनात है। मुंबई के पड़ोसी ठाणे और पालघर और कोंकण के कई जिलों में गत कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है। भीषण बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया है। कुछ स्थानों पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं और कुछ गांव पूरी तरह डूब गए। कई नदियां कुछ स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। NDRF की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उसकी 4 टीमों को मुंबई और 1-1 टीम को ठाणे और पालघर जिलों में तैनात किया गया है। 1 टीम दोपहर बाद रत्नागिरी जिले के चिपलून नगर पहुंचेगी। ठाणे जिले के साहपुर तालिका के कुछ गांव डूब गए हैं और स्थानीय अधिकारी NDRF की मदद से वहां फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जल जमाव की घटनाओं से ठाणे जिले के मुमरा, भिवंडी, टिटवाला और कसारा इलाकों से लोगों के फंसने की जानकारी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि वसई, विरार और पालघर में अन्य स्थानों पर बाढ़ आई है, लेकिन अब तक किसी की जान जाने की सूचना नहीं है। ठाणे जिले के कसारा और टिटवाला में भी कुछ लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें निकालकर जिला परिषद के स्कूलों में ठहराया गया है। ठाणे के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने बताया कि उन्हें शहर में पेड़ गिरने के मामलों की जानकारी देने के लिए 34 कॉल आए, लेकिन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। गणेश नगर में तड़के कुछ घरों में पानी घुस गया और बाद में आपदा मोचन दलों द्वारा लगभग 40 लोगों को वहाँ से बचाया गया। उधर महाराष्ट्र से सटे गोवा के उत्तर में सत्तारी और बिचोलिम तहसील तथा दक्षिण में धारबंदोरा समेत कई हिस्सों में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद कुछ नदियों का जल स्तर बढ़ जाने से कई घर डूब गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इसके चलते अभी तक किसी की मौत होने की जानकारी नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया सत्तारी तहसील के कम से कम 100 घर पिछले 1 हफ्ते से हो रही भारी बारिश के बाद महादई नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते गुरुवार रात से डूबे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सत्तारी में वालपोई कस्बे के पास स्थित वेलस गांव लगभग
आधा पानी में डूबा हुआ है, जबकि कई अन्य गांव तक संपर्क टूट गया है क्योंकि सड़कें और पुलिया पानी में डूबी हुई हैं। वालपोई के विधायक और राज्य के मंत्री विश्वजीत राणे ने ट्विटर पर कहा, निरंतर और भारी बारिश के चलते महादई नदी में प्रवाह बढ़ गया है, पानी वालपोई के विभिन्न हिस्सों में घुस गया है। जिलाधिकारियों को सत्तारी और उस गांव में आपदा प्रबंधन दल को तैयार रखने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा, लोगों के घर में पानी घुस गया है जिससे बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे लिए अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, आपदा प्रबंधन टीम की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। अधिकारियों ने बताया कि बिचोलिम तहसील में संखालिम कस्बे के पास वलवंती और सखाली नदियों में भी पानी बढ़ गया है और वे खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उन्होंने बताया कि बिचोलिम में हरवलम में और उसके आसपास रह रहे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि वहां बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। इसी तरह की स्थिति दक्षिण गोवा के धारबंदोरा तहसील में मोलेम गांव के आसपास भी दिख रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को चेतावनी जारी की थी और कहा था कि बंगाल की खाड़ी में हवा के परिसंचरण से कम दबाव वाला क्षेत्र बन सकता है जिससे गोवा में और बारिश होगी। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की आलोचना करते हुए उन्हें मवाली करार दिया। उन्होंने यह टिप्पणी किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा के बारे में पूछे गए सवाल पर की। टिप्पणी पर विवाद खड़ा होने के बाद मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट किया कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और यदि कोई आहत हुआ है तो वह अपने शब्द को वापस लेती हैं। इस बारे में पूछे जाने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। देखो जो उन्होंने बयान दिया, आपने कल ही कहा था कि ये इनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, यहाँ पे एक टीम बनी हुई है बीजेपी में, वो लिखत पढ़त में किसी न किसी आदमी को बयान देती है। उसने वो बयान उनको लिखित में बयान दिया, उनने बयान पढ़ा, उनको जब जानकारी नहीं है किसी के बारे में आप अनाप शनाप बयान दोगे। और राम माफी का हम महिलाओं से माफी नहीं मंगवाते, हम खाप पंचायत के लोग हैं, हम पंचायती सिस्टम के लोग हैं, गलती कर दी गलती तो माफी तो बीजेपी मांगे, एक महिलाओं से माफी हम मंगवावे। और उन्होंने सॉरी फील कर दी, ठीक है अपना वो करो, लेकिन किसी के कहने से बयान नहीं देना चाहिए, जब आपको पता नहीं तो नहीं बयान देना चाहिए उनको किसी को भी। अब जब उन्होंने माफी मांग ली है तो अब आप क्या चाहते हैं? नहीं हम कुछ नहीं चाहते, होगा खत्म होगा, हम क्या कोई वो करते फिरे भाई। वे उन्होंने किसी के कहने से बयान दिया, अपना सॉरी फील कर दी, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि उनके तरफ से उनके बजाय बीजेपी माफी मांगे? अरे मांग रखी, कह दिया बस, जिसने कह दिया उसी ने अपना सॉरी फील कर दिया, आगे ध्यान रखें।